बड़ी एक सवाल है जो जनता पूछ रही है दरभंगा के एसएसपी से, आखिर थाने पर आम जनता का फोन क्यों नहीं उठता है, लेकिन वहीं दलालों का फोन, जो शराब कारोबारी हैं, जो वहां पर जनता को भयभीत करते हैं, उनका फोन बहुत जल्दी उठता है। ये बड़ा सवाल है और हम बता दें यहाँ जनता है, देख लीजिए, और लगातार ये अहम सवाल आज उठ रहा है और इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा दरभंगा पुलिस को। हमारे साथ अमरनाथ गामी है, ये काफ़ी अनुभवी भी हैं। हम इससे अलग हट करके कहेंगे, थाना पर आम जनता का क्यों नहीं उठता है? थाना पर आम जनता का नहीं उठने का कारण है पुलिस प्रशासन का जो क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग राज्य की सरकार, राज्य का मुखिया शराब पर लगा दिया, राज्य का मुखिया हेलमेट और जूता चेकिंग पर लगा दिया, आम चेकिंग पर नहीं लगाया, अपराधी पकड़ने पर नहीं लगाया। आज पुलिस बल सीमित संख्या में है और प्रशासन पर जोर है, अब शराब पकड़िए। शराब पकड़ने के क्रम में सब शराब का बिक्री बढ़ रहा है, कारण अवैध उगाही है। अन्य काम में पुलिस प्रशासन, राज्य का भी दबाव है और जन दबाव, लोग आदतन जो पीने वाले हैं वो छोड़ा नहीं, और नशा का कारोबार को पकड़ने के क्रम में ढील दे रहा है। वो ढीला के क्रम में जो बच्चा है ज़्यादा खर्च करके शराब नहीं पी सकता है, वो टैबलेट का आदि हो, सुलेशन चाटता है, ब्रेड में लगा है, कोरेक पीता है, वाटनर सुनता है, वो लड़का तरह तरह का अपराध का है कि उसका दिमाग नशा का आदि हो गया, कम राशि देख के उससे अपराध करवाया जाता है, बैंक जा रहा है लूट लो, बैंक से पेंशन लेके जा रहा है लूट लो, व्यापारी घर जा रहा है लूट लो। आज जो घटना घटी है, व्यापारी का झोला लूट के जा रहा था, ये लड़का वीर है, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए इस लड़का का, कोई इसमें इस अपराधी को पकड़ने में उसका निजी जज्बा और इस वीर भूमि का जो है शिवाजी नगर वीर के नाम से जाना जाता है। गामी जी, हम बता दें कि आखिर ये लड़का, जनता अब अपने हाथ में अपराधियों को लेना चाहती है। कई जगह तो जनता ने ये कहा कि अब पुलिस छोड़ दे, अपराधी का हम लोग के हवाले कर ले, हम लोग देख लेंगे, कम से कम जनता तो सुरक्षित रहेगी। क्या लगता है कि जनता का विश्वास उतर रहा है साफ पुलिस पर? पुलिस छोड़ दे, ये जनता चाहता है कि जान माल का सुरक्षा हो, किससे लड़ेगा, अपराधी से लड़ेगा? आज जान का बाजी लगाकर अपराधी को पकड़ लिया, जीवित पुलिस को दिया, अस्पताल में मर गया, तो आप लोग के ही कुछ कर्मी कहते हैं अपराधी मरा, उसका पर ही कोई मुकदमा हुआ है? भाई साहब, अपराधी भागने में मरा है, दौड़ने में मरा है, गिर के मरा है, थोड़ा बहुत आक्रोश में पिटाई होता ही है, उस पिटाई के कारण नहीं मरा है। अपराधी जब भागने के क्रम में मुँह भरे गिर गया, ब्लीडिंग हुई और जीवित अवस्था में यहाँ से गया, वो मर गया, उसका क्या होगा? अब जो मरा है नागरिक, उसका चिंता करना चाहिए, उसका चर्चा करना चाहिए, तब जाके नौजवान में जो मरा है उसके लिए आप लोग क्या ऐसा कोई स्थल बनाएगा या फिर उसके बारे में, क्योंकि शहीद का दर्जा सभी करें, 25 लाख रुपए की मांग क्या करेगा वो हम नहीं जानते। हम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में है, मेरा भी सामाजिक दायित्व बनता है कि 18 से 25 वर्ष का युवा जो करेजियस है, जो समाज के लिए जान देने के लिए तैयार है, उसका जज्बा नहीं गिरे, मनोबल नहीं टूटे, इस कारण से परिवार इसका संपन्न है। हम सहयोग उस लड़का के तरफ से परिवार को करना चाहते हैं, उस लड़का का शहादत पर उसकी बहन का कन्यादान में उस लड़का का 4 लाख रुपया लगे, जो सरकार का मुआवजा का रकम है, उसके बराबर 4 लाख राशि हम अपनी ओर से उस लड़का के। तो हम बता दें ये बहुत बड़ी बात है कि जो शहीद हुआ है, क्योंकि वो उसने एक दरभंगा में इतिहास रच दिया है, ये इतिहास है कि कभी भी अपराधियों से डरो मत, चाहे तुम्हारी जान क्यों न चल जाए, क्योंकि यही जनता आम लोगों की सुरक्षा देगी। क्योंकि अगर इस तरह वीर जैसे, इसने जो दीपू खटिक था, जो दीपू शाह था, जिसने जान हथेली पर लेकर के उस अपराधी को खदेड़ कर पकड़ा, अगर वो नहीं खरीदता तो वो अपराधी मारा नहीं जाता, फिर उसका मनोबल बढ़ता, फिर टाउन थाना क्षेत्र के दूसरे जगह ये घटना घटती। एक सवाल बहुत जरूरी है, टाउन थाना क्षेत्र में क्यों घटती है बार बार ये घटना, चाहे दिन दहाड़े हो जाता है या रात में हो जाता है, क्यों टाउन थाना में क्यों? देखिए, है क्या टाउन थाना क्षेत्र का बात नहीं है, अपराध तो हर जगह हो रही है, लेकिन टाउन के केंद्र में व्यवसाय अधिक होता है, आवागमन ज़्यादा है, वहाँ घटना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अपराधी के लिए गश्ती लगावे वो सब है नहीं, पहले बता दिए। उसका एक ही जगह केंद्रित है दिमाग, शराब
और यातायात। तो पुलिस बल किस थाना का कैपेसिटी क्या आप भी जानते हैं, सारे बल रोड पे हेलमेट चेकिंग में लग गए, चेकिंग करे लेकिन राजस्व वसूली का मेन मकसद रहता। अच्छा आप बताइए क्या थाना के प्रति आप लोग की क्या सोच है, क्या राय है? बगल में हुआ थाना के प्रति क्या राय है? नगर थाना में अभी कोई ऐसा है कि एकदम निष्क्रिय थाना है हमारा नगर थाना, और 100 गज की दूरी पर कोई कांड हो रहा है, थाने का कोई आदमी नहीं पहुंच रहे हैं आधे आधे घंटे तक, तो इसके आगे अब क्या बोला जाएगा? जो पैदल 5 मिनट का रास्ता है उसमें आप आधा घंटा में भी नहीं पहुंच रहे हैं, इससे निष्क्रियता और क्या हो सकती है? क्या ठीक है जो बड़े भैया बोले हैं और ये कहना चाहते हैं कि उस दिन जो कांड हुआ सारा चीज़ हो गया, उसके बाद प्रशासन पुलिस का क्या रवैया रहा? प्रशासन का रवैया ये है कि वो मास्क हो, हेलमेट हो, दारू कहाँ बिकता है कॉल कीजिए, घर पे पहुँच जाएगा, क्राइम हो रहा है उसमें नहीं पहुँचेगा प्रशासन। आम जनता को देखती है पुलिस? नहीं देखता है, आपके पास हेलमेट है या नहीं है, मास्क है नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, दारू कहाँ बिकता है घर पे कॉल कीजिए वो पहुँच जाएगा। लेकिन ये मोहल्ला टोला बगल में थाना है, इतना सारा चीज़ हो गया उसके बाद आधा घंटा के बाद है तो चले हम बता दें। मैं सरकार से इतना दरखास्त करूंगा ये टैबलेट जो है जो बच्चे लोग खाते हैं उस पर बैन लगाया जाए। मिथिलांचल का गौरव सुपुत्र इस जगह पे शहीद हुआ है, और हम प्रशासनों से यही चाहते हैं कि जितने भी प्रशासन पदाधिकारी हो इस लड़के को सम्मान्य से सम्मान्य अधिकार दिया जाए, और इनके घर परिवार को भी देखा जाए, और जितने भी यहाँ पब्लिक जन है उनको यही अति सेफ्टी का अधिकार है, उनके परिवार में एक नौकरी मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा देना चाहिए, शहीद का दर्जा मिले। तो चलें उस दीपू के लिए ये कहा जा रहा है कि उसे सरकारी एक नौकरी दिया जाए, क्योंकि उसने उदाहरण छोड़ा है 25 लाख मुआवजा, हालांकि अमरनाथ गामी जी ने जो पूर्व विधायक उन्होंने 4 लाख रुपया अपने कोष से उसकी बहन की शादी के लिए दिया है ताकि एक उदाहरण हो। लेकिन हम बता दें सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक लड़का ने उदाहरण दिया है और तमाम दरभंगा के लाखों जनता को प्रेरित किया है, कभी भी आप भ्रष्टाचार से अपराधियों से डरिए नहीं, लड़िए तभी अपराध अपने समाज से खत्म हो गया। देखते रहे मिथिला पर हर अपडेट खबर, आज दरभंगा पूरा बंद है। धन्यवाद।